हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप की मदद से हमारी एक कॉटेज बनाएंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और अपना एक्यूट एंगल। इसकी मदद से हमें एक हमारा जो है कॉटेज वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं रिलेशन होता ही है। हम पहले स्क्वायर बनाया, उसके ऊपर ट्रायंगल बना दिया और ये हमारा कॉटेज का फ्रंट साइड तैयार हो गया। उसके नीचे हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल एक तरफ बना के हम उस पर थोड़ा लाइन लगा देंगे हमारे कॉटेज की साइड वाली दीवार का, और वहाँ पर पैमाइश करके हम एक्यूट एंगल की दूसरी साइड जहाँ पर हमारा स्क्वायर है वहाँ पर पैमाइश करके निशान लगा देंगे और लाइन लगा देंगे ताकि हमारा दोनों तरफ एक्यूट एंगल बराबर बराबर हो। अब हम हमारे ट्रायंगल के ऊपर यानी कि हमारे झोपड़ी के ऊपर सिरे पे एक लाइन लगा देंगे और उसके नीचे एक पैरेलल लाइन लगा देंगे। ये पैरेलल लाइन हम 10 सेंटीमीटर पैमाइश करके दो निशान लगाएंगे और उसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारा जो है पैरेलल रेक्टेंगल यानी कि पैरेललोग्राम वो तैयार हो जाएगा। और हमें अब दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम या पैरेलल रेक्टेंगल। अब हम हमारे कॉटेज का दरवाज़ा बना रहे हैं, खिड़कियां भी बनाएंगे। दरवाज़ा, खिड़कियां ये भी सब रेक्टेंगल की शेप में ही रहेगा। यहाँ से हम पेंसिल यूज की है, उसको हम थोड़ा मिटा देंगे ताकि कलर करने में आसानी रहे, और जो कॉटेज की लाइनें हैं हम थोड़ा डार्क कर देंगे। फिनिशिंग करते रहेंगे और उसके बाद हम कलर यूज करेंगे। हमें कलर जो यूज किए हैं वो वैक्स वाले या मोम वाले कलर हैं, ये यूज करने में आसानी रहती है, बच्चे भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। और कलर में हमने येलो, रेड, ऑरेंज और ब्लैक, ये जो चार कलर जो यूज किए हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं पर ऑरेंज भी यूज किया है। और हमारी कॉटेज की जो छत है उसमें हम लाल कलर यूज कर रहे हैं, थोड़ा मिक्सिंग करने के लिए कहीं पर ऑरेंज और कहीं पर थोड़ा डार्क कलर यूज कर देंगे, और येलो कलर भी थोड़ा लाइट के लिए हम यूज करेंगे। यहाँ जहाँ डार्कनेस दिखानी होगी वहाँ पर हम ब्लैक यूज करेंगे, और इस हिसाब से हम कलर भरते रहेंगे। और हमारी जो विंडो है उनमें हम रेड कलर यूज कर रहे हैं। रेड कलर यूज करने बाद थोड़ा उनकी शेप देने के लिए हम थोड़ा डार्क कलर यानी कि ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम आसमान में आसमानी कलर लाइट ब्लू जो है वो हम करेंगे। थोड़ा ओरिएंटल लाइन हमने लगा ली है और कलर हम कर रहे हैं। आसमानी कलर हम यूज कर रहे हैं और हमारे कॉटेज के साथ ही एक हम पेड़ बना देंगे। पेड़ बनाने का वही हमारा ज्योमेट्रिकल फार्मूला फ्री हैंड 90 डिग्री का एक थोड़ा
ऊपर की तरफ लाइन लगा दी ताकि हमारा जो पेड़ लगना लगे, और नीचे वर्टिकल थोड़ा लाइन करवट लगा दी हैं, वो यानी कि घास फूस या शेड रहे। और डार्क कलर में हमने थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग करते हुए हमारा कॉटेज जो हम कंप्लीट करेंगे, बहुत कलरफुल हमारा कॉटेज बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करेगा, और वीडियो को अंत तक देखेगा। कलरफुल हमारी कॉटेज बन जाएगी। हमने थोड़ा ग्रीन कलर यूज किया है और थोड़ा हम ब्लू कलर जो लगा रहे हैं वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से लगा रहे हैं, ताकि जो दूरी वाले जो पेड़ हैं वो नज़र आएँ। उसके बाद लाइट एंड शेड का हम वो कर रहे हैं। अब हम येलो कलर सभी जगह भर दिया है ताकि थोड़ी हमारी कॉटेज बढ़िया लगे। और वीडियो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में भी लिखना। इसको हम कैसे अच्छी और तरह से बना सकते थे ये भी हमें कमेंट में आप बता सकते हो। और आपने जो मतलब कॉटेज जो देखी है ये सारी मैथमेटिक्स के हिसाब से ही बनी है। एक स्केयर लिया है, एक ट्रायंगल लिया है, एक रेक्टेंगल लिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।